alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj main aapko batane wala hu ki aapke plant ke upar aap jis bhi plant se related ho, chahe wo chiller ho ya power house ho, to aap us plant mein se aap cooling tower ki TDS aur pH kaise check karoge. Aur cooling tower ki jo TDS hoti hai wo badhne pe kya hoti hai, badhegi to kya masla hoga, agar zyada kam hogi to kya masla hoga, pH badhegi to kya masla hoga, aur pH kam hogi to kya masla hoga. Phir ki control hoti control limit, kinko itne control limit ke andar kitne bhi rakhna chahiye aur kyun rakha jata hai control limit pe, aur kaise ye hamare paas TDS yani total dissolved solids aur pH yani potential of hydrogen kaise check karte hain. Ye conductivity meter hai hamare paas aur ye pH meter hai, आप देख सकते हो दोनों को. तो पहले मैं आपको एक इनका बेसिक बताता हूँ कि बेसिक क्या है. बेसिक बताने के बाद ही मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि चेक कैसे करते हैं. तो बेसिक के अंदर ये है हमारे पास कि TDS हमारे पास क्या है और क्यों बढ़ता है. तो जब पानी एवेपोरेट होता है टावर से, यानी कूलिंग टावर से जब पानी एवेपोरेट होता है, तो डिसॉल्व सॉलिड्स जैसा कि जो क्लोराइड, सिलिका, कैल्शियम या मैग्नीशियम होता है वगैरह वगैरह, ये हमारे रीसर्कुलेटिंग पानी के अंदर रह जाते हैं. यानी पानी एवेपोरेट हुआ, फिर जो रीसर्कुलेटिंग का प्रोसेस होते हैं, तो एवेपोरेशन की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास ये जो टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स हैं, यानी मैंने जो बताया क्लोराइड, सिलिका, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह, ये पानी में रह जाते हैं. और पानी में इनके रहने की वजह से ये TDS बढ़ती है, और जब TDS बढ़ती है यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व सॉलिड्स इंक्रीज होगा, अगर TDS बढ़ेगी तो फिर सिस्टम में स्केलिंग होगी, और अगर सिस्टम में स्केलिंग होगी तो फिर आपके सिर्फ कूलिंग टावर के हद तक नहीं, बल्कि आपके जो आपके पास जो हीट ट्रांसफर जो और एरियाज होते हैं, यानी जिस तरीके से हीट एक्सचेंजर हैं आपके पास लगे हुए, तो हीट एक्सचेंजर में आके फिर वो फूलिंग होगी, ऊपर स्केलिंग, तो उसको फूलिंग कहते हैं. और अगर हीट एक्सचेंजर में फूलिंग होगी तो इससे ये होगा कि आपकी जो हीट ट्रांसफर इफिशेंसी है वो इंटरप्ट होगी, वो कम से कम होगी. यानी TDS अगर हम ज्यादा रखेंगे या ज्यादा होगी तो स्केलिंग होगी, स्केलिंग होगी तो फूलिंग होगी, ठीक है. और अगर TDS हम कम से कम रखेंगे तो कम से कम क्यों रखेंगे, कम से कम क्यों नहीं रखते, कम से कम के लिए पानी का जाया होगा. अगर हमारे पानी का बहुत लॉस होगा तो हम पानी के इतना लॉस भी नहीं कर सकते और हम अपने प्रोडक्ट को ख़राब भी नहीं कर सकते. तो TDS को इसलिए एक लिमिटेड, एक कंट्रोल लिमिट के अंदर रखा जाता है. अब pH के बारे में बता दूँ आपको. pH का मतलब होता है यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. अब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आपको मालूम होना चाहिए होगा कि नॉर्मली हम 1 टू 14 तक के रेंज में ये नाप बताते हैं, मेजरमेंट इनकी होती. अब 1 टू 14 के हिसाब से होता है कि अगर आपका 7 से नीचे है तो ये होगा कि एसिडिक होता है, आपका 8 से ऊपर है तो एल्केलाइन कहलाता है. अब बात ये है कि हम कूलिंग टावर के हिसाब से इनको किस लिमिट पे रखा जाता है और क्यों रखा जाता है और क्या होता है. अगर कम से कम रखेंगे तो यानी कोरिजन होगी, कोरिसिव प्रॉब्लम आएगी पानी में, कोरिसिव प्रॉब्लम होगी तो आपकी जो पाइपलाइन है या कोई और प्रोडक्ट हैं उनसे उनमें कोरिसिव प्रॉब्लम आएगी. यानी आपको पता है कि जैसे आयरन मेटल वगैरह है तो अपने ओरिजिनल शेप में खुद ब खुद आने के लिए रेडी रहता है और ओरिजिनल शेप में चेंज होता रहता है. तो कोरिसिव को तो वैसे भी हम नेचुरली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते कि pH को उसके लिमिट के अंदर रखें. तो अगर ये तो हुआ कि कम से कम होगी तो pH तो कोरिसिव प्रॉब्लम होगी, और अगर pH बढ़ेगी तो क्या होगा, फॉर्मिंग होगी, पानी हार्ड होगा. तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इसको प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि pH को एक जगह पे रखने के बाद कंट्रोल लिमिट दिया जाता है, एक रिकमेंडेशन होती है, रिकमेंडेड कर दिया जाता है कि आप इतने पे रखो. तो नॉर्मली हमारे पास जो सेवा ये होते हैं कूलिंग टावर के हिसाब से ओपन सर्किट पे 7.2 से लेकर और मैक्सिमम 9.0 तक भी रखा जाता है, मुख्तलिफ प्लांट के मुख्तलिफ हिसाब किताब होता है. तो ये थोड़ा सा
अब ये सवाल पैदा होता है कि ये मतलब अगर ये एल्केलाइन होगा तो फॉर्मिंग होगी, तो फॉर्मिंग होगी तो फिर एड से ऊपर क्यों रखा जाता है। एड से ऊपर इसको इसलिए रखा जाते हैं कि कोरोसिव प्रॉब्लम को कम से कम किया जाए, और इसके लिए पानी को थोड़ा सा पीएच को थोड़ा सा एल्केलाइन रखा जाता है, तो इससे ये होगा कि कोरोसिव जो प्रॉब्लम होगी वो कम से कम होगी। जबकि फॉर्मिंग अगर आती है तो फॉर्मिंग को कम करने के लिए ब्लो डाउन करना पड़ता है पानी को हल्का सा, या आप इसमें से H2SO4 एसिड डालते हैं। H2SO4 जो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, वो इसी काम के लिए होता है कि आपके जो पीएच का जो लेवल है उसको कम करे। तो कम करने के लिए हमारे पास ये हल होता है कि हम इसको ऐसे एज पर रिक्वायर्ड के हिसाब से डालें ताकि ये हमारा पीएच जो लेवल है वो कंट्रोल में रहे। उम्मीद है कि ये जो मैंने पूरे लैला मजनू की जो कहानी सुनाई है ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अब मैं आपको ये चेक करके बताता हूँ कि पानी के अंदर जो हमारे पास पीएच है वो कैसे चेक करते हैं। चलो पहले टीडीएस चेक करते हैं कि टीडीएस कैसे चेक करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी एक मीटर होता है, ठीक है भाई, टीडीएस मीटर भी कहते हैं नॉर्मल। इसको ऑन करते हैं और इसको पानी के अंदर रखा जाता है इतने तक, फुल डबोना नहीं चाहिए वरना इसकी बैटरी खत्म हो सकती है। अगर थोड़ा सा कैलिब्रेट कर लो, थोड़ा सा घुमा लो, ये देखो 1.35 अगर मल्टी उसको करोगे 1000 से जो नंबरों में लाने के लिए, तो ये नॉ क्या हो जाएगा 1350, यानी 1350 हमारे पास TDS है। और हमें ये क्या कहा गया कि 1200 से 2000 के दरमियान रखो, तो TDS हमारी बिल्कुल ओके आ रही है फिलहाल। अगर आप कोई नज़र आ रहे हैं तो 1.36 यानी 1360, तो 1360 PPM हमारे पास हो पार्ट पर मिलियन। ठीक है, ये हमारे पास TDS हुआ। और अब मैं आपको बताता हूँ पीएच के बारे में, क्या पीएच की क्या सिचुएशन है कूलिंग टावर की, ठीक है पानी के। तो ये है हमारे पास पीएच का जो मीटर है, इसको भी हम करेंगे। तो अभी हमारे पास एसिड की कमी है और इसलिए हमारे पास जो पीएच आ रही है वो तकरीबन अबव 9 आ रही है। ठीक है, अगर अबव 9 आ रही होगी तो सबसे पहले निशानी होती है कि कूलिंग टावर से हमारे पास जो पानी है वो फॉर्मिंग करेगा, बबल बनेंगे, बाहर निकलेंगे, ये सबसे पहले निशानी होती है TDS की इंडिकेशन के तौर पर। ठीक है, तो अब इसी तरीके से अगर इसको हम ले करके फ्रेश पानी के हिसाब से अगर हम करेंगे फ्रेश पानी को चेक TDS, तो ये अब फ्रेश पानी है, उसको अगर करेंगे तो 0.42, ये आप देख सकते हो, यानी 0.42 का मतलब 420 PPM पार्ट पर मिलियन। ठीक है भाई, यानी पार्ट पर मिलियन का मतलब कि ये मिनरल्स हमारे पास टोटल मिनरल्स इतने आ रहे हैं। ठीक है, यानी 10 लाख पानी के मॉलिक्यूल्स में से हमारे 420 मिनरल्स हैं। अब 420 मिनरल्स के अंदर क्या क्या होता है उसका एक सिंपल इसका एक कैलकुलेशन होता है, सिंपल कैलकुलेशन होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये पूरे पानी की, वाटर ट्रीटमेंट की, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही दिन में बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और इसमें चलो पीएच चेक करते हैं फ्रेश पानी की। ये हमारे पास फ्रेश पानी की पीएच आ रही है जो कि तकरीबन 8.2, 8.3, ठीक है 8.0 तक भी आ सकती है। ठीक है, ये देखिए आप कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है 8.0 आ गया। ठीक है, 8.0 से 8.9 ये हमारे पास फ्रेश वाटर का आ रहा है। ठीक है, अब चलो इतना ही था आज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप समझते हो कि मैं कुछ बेहतर कर रहा हूँ और कुछ नॉलेज आपको दे रहा हूँ इंजीनियरिंग के हिसाब से, इंजीनियरिंग एक ऑलराउंडर इंजीनियरिंग वाला मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मैं सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर भी ये सारी वीडियोज़ बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। आपकी सब्सक्रिप्शन और आपकी जो लाइक है उस पर कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हमारा भला हो जाएगा, हमें हौसला अफजाई होगी, हमें हौसला अफजाई होगी। और अगर हौसला अफजाई होगी तो आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए आज इतना ही था और अल्लाह हाफिज़।